धनबाद के झरिया थाना इलाके के ऊपर कुल्ही सिंदरी रोड में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कार और स्कूटी में तोड़फोड़ की गई। एक पक्ष ने 3 राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी झरिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही झरिया थाना प्रभारी भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। ये जो जिनके साथ हुआ है ये मिस्टर भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है। और मैं अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं, लेकिन ये जो हुआ गलत हुआ है। अभी आपने उनसे उनका बात सुना आपने कि वो बोले कि कोई झगड़ा कोई मतलब लेन देन नहीं था, वो खड़े हुए थे, अचानक से कोई बात विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और इस तरह से करना, वो भी गोली फायरिंग करना, तो ये तो बहुत मतलब निंदनीय है। और अभी इलेक्शन के टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ के प्रशासन का एकदम, हम ओपनली बोल रहा हूँ, मैं कोई पार्टी पक्ष या कहीं से मैं नहीं बोल, एक आम जनता बोल रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरा अपना भाई, अभी मेरा साला इसके साथ भी मतलब यहाँ पे उसका भी गाड़ी तोड़ा। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुंदन जुड़ गया। कुंदन बताइए, पूरा मामला क्या है, कैसे दो पक्षों के मारपीट इतना जबरदस्त हो गया और कि उसमें बातें इतनी हद तक बढ़ गई कि गोलियां चल गई। देखिए काजी, बता दें कि धनबाद जिले के झरिया में गोलीबारी की खबर आई है। आपको बता दें कि अभी निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन हर तरह से टाइट है, एक महीने से लगातार कैंपेनिंग कर रही है और हर जगह फ्लैग मार्च कर रही है, उसके बाद भी गोली चल जाना झरिया में सबसे बड़ी बात आती है। देखिए आप जिस तरह से स्कॉर्पियो से आके स्विफ्ट में धनादन गोली फायरिंग करने के बाद उसके बाद वो जो स्विफ्ट में थे वो बच बचा के निकले, वहां से भागने में कामयाब हुए, और उसके बाद जो भी वहां पे जो गोली चला रहे थे अपराधी वो भी भाग निकले। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी सवाल खड़ा करता है कि जब इतना बड़ा सिक्योरिटी टाइट है, उसके बाद पूरे धनबाद में पुलिस एकदम सभी तरह मौजूद है, उसके बाद भी बंदूक लेकर आना और फायरिंग कर लेना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी तो आचार संहिता लागू, लोकसभा का चुनाव चल रहा होने वाला है, इन सारे मामले के बीच और फायरिंग हो जाती है दो गुटों के बीच, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती जैसा ये माहौल है। खबर पर नजर बनाए रखें, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।